आज इस चोट की वजह से कहीं मुझे मीटिंग के लिए डिले ना हो जाए। आई होप वो इन्वेस्टर्स ये मीटिंग कैंसिल ना कर दे। मिस्टर मीत अलावत हैं घर पे? अरे सर, अरे सर, आप लोग यहाँ आइए आइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? आपके हाथ में चोट लगी ये खबर सुन के हमने सोचा आपसे यहीं घर पे मिल लिया जाए। वैसे if I may ask, आपको कैसे पता लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई? आपकी वाइफ ने मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि हम आपसे यहीं मिलके मीटिंग कर लें। आखिर इस दो के पास के मन में चल क्या रहा है? I'm sure ये मैसेज उसे ने किया होगा। मिस्टर अलावत, क्या मीटिंग शुरू करें? आज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। ऑफ कोर्स सर। या यो एक मिनट, बाहर मेहमान है, उन्हें यो चाय नाश्ता दे दे। घर के काम करने थे, घर वालों के दिल में जल्दी जगह बनती है, और तू तो यही चाहती है ना? जा। सर अगर आप लोग चाहें तो हम ये मीटिंग प्रॉपरली ऑफिस में कर सकते हैं। आई फील बेटर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये मीटिंग ऑफिस में हो जाएगी। मिस्टर अलावत, आपको लगता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है? आपका रवैया बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। नो सर, आई डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू सर। प्लीज आप लोग बैठिए ना। जाने से पहले चाय नाश्ता तो कीजिए। सर आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अतिथि देवो भव। मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है, और भगवान की आओ भगत में कोई कमी ना रहनी चाहिए, ऐसा अलावत परिवार का मानना है। लेकिन ये दो दो चाय और स्नैक्स क्यों? इसका जवाब तो बड़ा आसान है सर जी। अब मीत अलावत के पास ना हर चीज दो दो है, दो लैपटॉप, दो फोन, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, दो बीवी। क्या